गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम स्वाति सिंह। आज हम अपने साइकोलॉजी के मेथड्स स्टार्ट करने वाले हैं कि विधियाँ क्या होती हैं। आपको पता ही है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हमारे मेथड्स का क्या यूज़ है। अगर हम अपना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बहुत इफ़ेक्टिव और यूज़फुल बनाने के लिए, मीनिंगफुल बनाने के लिए हमें डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स यूज़ करने होते हैं। अब वो मेथड्स क्यों यूज़ करने होते हैं, हमारे पास जो हमारी क्लास होती है वो कोई भी स्टैंडर्ड की हो उसके हिसाब से हमें मेथड्स यूज़ करने होते हैं कि बच्चों को किस हिसाब से किसी मेथड के थ्रू बहुत अच्छे से सिखाया जा सके। जैसे फर्स्ट क्लास के बच्चे, सेकंड क्लास के बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के बच्चे, वो बहुत एक्टिव होते हैं, तो इसीलिए उनको हम हमेशा ऑलवेज प्ले वे मेथड, क्रिएटिविटी और एक्टिविटीज़ के थ्रू सिखाना ज़्यादा सही समझते हैं, क्योंकि वो एक जगह बैठ कर मेथड्स को पढ़ना या फिर लेक्चर्स को सुनना उस चीज़ में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और जो बड़े बच्चे होते हैं वो लेक्चर मेथड्स वगैरह से इजीली पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनकी सिटिंग पावर और उनका जो माइंड मेंटल एबिलिटी होती है वो इतनी डेवलप हो जाती है कि वो बैठकर भी एक दो घंटे आपका लेक्चर बियर कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारे टीचिंग मेथड जो हैं बहुत यूज़फुल हैं हमारे साइकोलॉजी और पेडागोजी के अंदर। इसके अंदर हमारा जो फर्स्ट हम आज बात करेंगे वो है अंतर निरीक्षण विधि, यानी कि इंट्रोवेक्शन मेथड। अब ये होता क्या है, सबसे पहले ये मेथड किसने दिया, ये मेथड हमारा वोन्स टिचनर स्ट्राउड और विलियम वुड्स, सॉरी विलियम जेम्स। इसके प्रतिपादक, अंतर निरीक्षण विधि के प्रतिपादक, यानी कि इस मेथड्स को जो लेकर आए थे साइकोलॉजी के अंदर, मनोविज्ञान के अंदर, कि इस मेथड का हमें यूज़ करना चाहिए टीचिंग और लर्निंग, लर्निंग और टीचिंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, वो हमारे ये चार मनोवैज्ञानिक लेकर आए थे। अब इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने चेतन अनुभूतियों के तत्वों पर बल दिया था, यानी कि कॉन्शियस माइंड पर बल दिया था। इन्होंने कहा था, पहले तो बात कर लेते हैं अंतर निरीक्षण विधि होती क्या है। देखिए, अंतर और निरीक्षण, अंतर से आप समझ रहे होंगे अंदर, ठीक है। अंतर निरीक्षण विधि होती है कि बच्चा या व्यक्ति खुद अपने अंदर झांक के अपना ऑब्जर्वेशन करे। इसमें आपको सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, इसके अंदर खुद व्यक्ति अपने आप का निरीक्षण करता है कि उसने कितना सीखा, उसकी कमियां क्या है, उसको कहां तक उस कमियों को दूर करना है और आगे कैसे अपनी लर्निंग करनी है। इसमें आपकी कोई भी सेकेंड या थर्ड पर्सन कोई हेल्प नहीं करेगा। तो अंतर निरीक्षण विधि का मतलब होता है कि व्यक्ति खुद अपना अपने द्वारा निरीक्षण करे, अपने द्वारा अपना ज्ञान प्राप्त करे कि उसमें क्या कमियां हैं, किन चीज़ों को उसने लर्निंग में अचीव किया है और क्या चीज़ें रह गई हैं। ये होती है हमारी अंतर निरीक्षण विधि। अब इसमें जो हमारे चार मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या कहा था कि चेतन अनुभूतियों पर बल दिया जाना चाहिए। चेतन अनुभूतियों से मतलब है कॉन्शियस माइंड पर बल देना चाहिए। मीन्स अगर बच्चा, अगर कोई भी, मैं हूँ या आप हैं या कोई भी स्टूडेंट है, वो अपना निरीक्षण या अपना अंतर निरीक्षण या ऑब्जर्वेशन खुद का कैसे करेगा जब वो कॉन्शियस रहेगा। ये तो नहीं कि अनकॉन्शियस में वो आधी नींद में या सोता हुआ या मेंटली है ही नहीं प्रेजेंट तो तब अपना निरीक्षण कर लेगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो जब बंदा कॉन्शियस हो या मेंटली प्रेजेंट हो उस सिचुएशन में, तभी क्या है वो अपने आप के बारे में ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा। तो अंतर निरीक्षण विधि के द्वारा चेतन अनुभूतियों पर बल दिया गया था, चेतन अनुभूतियों पर बल, ठीक है। इसके बाद किसी भी व्यक्ति को, मतलब चेतन अनुभूतियों पर बल देने के बाद जो बच्चे का जो अंत ऑब्जर्वेशन होता है ना खुद के लिए, वो किस रूप में कर सकता है या उसको किस रूप में इफ़ेक्ट किए जा सकते हैं। जो बाह्य चीज़ें हैं, बाह्य वस्तु हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल प्रोसेस होते हैं बच्चे के क्लासरूम से अलग, वो भी क्या है बच्चे की इस प्रोसेस को इफ़ेक्ट करती है। वो कैसे इफ़ेक्ट करती है, मान लीजिए कि कोई बच्चा अपना किसी सब्जेक्ट को लेकर निरीक्षण कर रहा है कि मैथ्स और साइंस में एक चैप्टर है कि चैप्टर उसका फैक्टर्स का है, फैक्टर्स का वो फैक्टर्स का चैप्टर पढ़ रहा है,
तो वो खुद अपना निरीक्षण कर रहा है कि मैंने कौन कौन से मेथड्स लर्न कर लिए, कौन कौन सी इक्वेशन सॉल्व कर ली और क्या चीज़ रह गई या फिर कहाँ पे कौन सी गलती है जिसे इस एरर्स को मुझे दूर करने हैं। तो वहाँ पे क्या है, कई बार जी जो एक्सटर्नल चीज़ें होती है वो इफेक्ट करती है, बाह्य वस्तुओं पे बच्चे का ध्यान चला जाता है। अगर क्लासरूम टीचिंग के अंदर बच्चा फैक्टर पढ़ रहा है और बाहर से कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, लाइक कोई साउंड आ रही है या फिर जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है उसमें टीचर ठीक से नहीं समझा पा रही है, वो भी क्या है, एक्सटर्नल एरर है क्योंकि बच्चे को ठीक से समझ नहीं आ रहा है। तो इस चीज़ में क्या होता है कि बच्चा भी अपना आपका निरीक्षण करने में कहीं ना कहीं कमी हो जाती है, क्योंकि ना बच्चा खुद अचीव कर पाता है तो उस वे में बच्चा खुद भी अपना निरीक्षण नहीं कर पाता है। और इसके अंदर बच्चा क्या है, बच्चे को ही अपना सारा प्रोसेस करना होता है, निरीक्षण भी खुद करना है और अवलोकन भी खुद ही करना है, यानी कि इवैल्यूएशन भी करना है, निरीक्षण करने के बाद ऑब्जर्व करने के बाद खुद का इवैल्यूएशन भी करना है कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो, आपको कितना और उसमें मेहनत करनी है या कोई चीज़ आपके लिए कितनी इफ़ेक्टिव है, आप क्यों सीख रहे हो। तो इसी चीज़ के लिए इसके अंदर रखी गई है। उसके बाद अब इसके गुण और दोष देख लेते हैं। आपको समझ आ ही गया है कि अंतर्निरीक्षण विधि क्या है, उसका मैंने बता दिया। वुंड्स, स्ट्रिचनर, स्ट्राउट और विलियम जेम्स ने आपकी ये विधि दी है और इसमें चेतन अनुभूतियों के तत्वों पर बल दिया गया है कि आपको कॉन्शियस रहना चाहिए, अपना खुद का अध्ययन करना है। अब इसके गुण समझ लेते हैं। इस विधि के गुण, बच्चों को सूचना प्राप्त हो जाती है। इस विधि का पहला गुण यह है कि अंतर्निरीक्षण विधि के द्वारा बच्चों से हमें डायरेक्ट सूचना प्राप्त होती है, मतलब उसमें कोई एरर हम क्रिएट नहीं कर सकते। अगर बच्चा बोल रहा है कि मुझे फुटबॉल पसंद है तो मतलब फुटबॉल पसंद ही है, वो अपने इस चीज़ में कोई भी अपना माइंड चेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि आप उससे 10 बार भी सवाल करेंगे तो वो यही आंसर करेगा। या आप उसको 10 बार बोलेंगे कि नहीं आपको फुटबॉल नहीं, आप दोबारा ऑब्जर्व करो, क्या पता आपको कुछ पसंद हो, तो वो बार बार एक ही मतलब बार बार ऑब्जर्वेशन के थ्रू आपको सेम आंसर देगा। तो इसमें क्या होगा कि जो भी हमें सूचना मिल रही है वो डायरेक्ट बच्चों के थ्रू मिल रही है। सेकंड इसके अंदर आता है लचीलापन, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी। लचीलापन है, इसको हम कैसे भी अपने हिसाब से रख सकते हैं मेथड्स को, मतलब बच्चा कहीं पर भी अपना अंतर्निरीक्षण कर सकता है। इसमें कोई बाउंडेशंस नहीं है कि आपको क्लासरूम टीचिंग के अंदर ही अपना ऑब्जर्वेशन करना है या फिर खाली समय में करना है। आप बच्चा क्या है, अपने खेल के द्वारा घर पर, ट्यूशंस में और बाकी चीज़ों पे जहाँ पे वो अपने फ्रेंड्स के साथ रहता है वहाँ पर भी क्या है, अपनी खुद की ऑब्जर्वेशन कर सकता है कि उसको क्या चीज़ें पसंद है, क्या नहीं पसंद है, इन सब चीज़ों के द्वारा। और उसके बाद आती है साधारण विधि। थर्ड पॉइंट है हमारा कि बहुत साधारण विधि है, इसके लिए हमें कोई भी एक्स्ट्रा इफेक्ट नहीं करने पड़ते, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें वहाँ पे क्रिएट नहीं करनी पड़ती है। जैसे कुछ विधियाँ बहुत महंगी होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, तो और कुछ विधियाँ ऐसी होती है कि आपको जैसे लाइक प्लेवे मेथड कि आपको ग्राउंड की ज़रूरत पड़ेगी ही या फिर कोई इतने स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पर बच्चों को खिलाया जा सकता है। तो यहाँ पर एक साधारण विधि है, आपको किसी भी ऐसी एनवायरमेंट और इस तरह की चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कहीं पर भी किसी भी सिचुएशन में बच्चों को खुद का निरीक्षण करने के लिए बोल सकते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है हमारा ऐतिहासिक महत्व। अब इसका ऐतिहासिक महत्व कैसे रखा है, देखिए अंतर्निरीक्षण विधि अपने आप में ही ऐतिहासिक है, क्योंकि अगर हम इसको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूज ना करें तो उसके बाद भी आप देखते होंगे कि घर के अंदर या फ्रेंड सर्कल में बच्चों के दिमाग में कुछ ना कुछ कॉन्शियस माइंड में उनके चलता ही रहता है। मतलब कोई ना कोई सिचुएशन में अगर बच्चा खड़ा भी है, मतलब प्रेजेंटली कॉन्शियस माइंड लेकर खड़ा भी है, तो ये नहीं कि उसके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा होगा, उसके दिमाग में भी बहुत सारी बातें चल रही होंगी, लाइक फ्रेंड्स के बारे में हो सकती है, कोई पार्टी के बारे में हो सकती है, कोई स्टडी रिलेटेड हो सकती है। तो क्या है,
वो सारी चीज़ें क्या है, वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी ना सिचुएशन में कुछ ना कुछ ऑब्जर्व कर ही रहा है। तो इसीलिए ऐतिहासिक महत्व इसीलिए है क्योंकि जब से बच्चे का जन्म होता है और उसके मरण तक उसके माइंड में कोई ना कोई चीज़ें या प्रोसेस ऐसे क्रिएट होते ही रहते हैं कि आप उसको रोक नहीं सकते। आप उसको ये नहीं कि अगर क्लासरूम में अगर टीचिंग नहीं भी चल रही है और आप स्टूडेंट्स को बोल दें कि बच्चों आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, आप आराम से बैठ जाइए या अपनी नोट्स बुक खोल लीजिए, आप खुद लर्निंग कर लीजिए, सेल्फ स्टडी करिए। तो कई बच्चे होते हैं जिनको स्टडीज़ करनी होती है, वो स्टडीज़ करते हैं, कुछ हेड डाउन करके बैठ जाते हैं, तो तब भी उनके माइंड इतना क्रिएटिव होता है, इतना कॉन्शियस रहता है कि उसके अंदर कोई ना कोई बातें चलती रहती हैं, क्या है वो टीचिंग से रिलेटेड हो, उनके फ्रेंड्स से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो। तो इसीलिए इसको ऐतिहासिक महत्व के अंदर रखा जाता है। अब इसके दोष के बारे में बात कर लेते हैं। जहाँ पर किसी भी विधि के गुण हैं तो उसके दोष भी होंगे कि हमें किस तरह से ये जो अंतर्निरीक्षण विधि है बच्चों को कैसे इफ़ेक्ट करती है, क्या इसके हार्मफुल्स हैं कि हम बच्चों के लिए यूज़ ना करें, कौन सी क्लास तक यूज़ करें और किस सिचुएशन में यूज़ करें। तो इसीलिए इसके कुछ दोष भी रखे गए हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोष हैं इसके, मनोदशा का परिवर्तन होना, मनोदशा का परिवर्तन होना। इससे आप क्या समझते हैं, मनोदशा का परिवर्तन होना मीन्स जो बच्चे का अभी प्रेजेंटली जो माइंड है, जो मतलब मेंटल एबिलिटी है, वो दूसरी सिचुएशन में आपको नहीं पता कि वही रहेगी या नहीं, या किसी और सिचुएशन में वो चेंज हो जाएगी या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर लाइक मान लीजिए कि आपने बच्चे को कोई क्रिएटिव चीज़ करने के लिए दी या कोई एक्टिविटी करने के लिए दी, ठीक है, बच्चा उसके अंदर क्या है, इंटरेस्ट ले रहा है, उस चीज़ को कर रहा है, अचानक उसके अंदर उसके दोस्त ने या किसी और फ्रेंड ने कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी, तो जो उसका प्रेजेंट ऑफ माइंड होगा वो क्या है, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जैसे हमारे इमोशंस सिचुएशन के साथ चेंज हो जाते हैं, कभी हम एक मिनट में खुश हो जाते हैं किसी चीज़ को देख के, तो कभी दूसरी सिचुएशन में बहुत अपसेट हो जाते हैं किसी चीज़ से। तो ऐसे ही जो हमारी मनोदशा यानी कि कॉन्शियस माइंड है, वो भी हर सिचुएशन पे डिफरेंट एक्टिविटी करता रहता है, डिफरेंट सिचुएशंस में चेंज हो जाता है। तो इसीलिए अंतर्निरीक्षण विधि से हम ये नहीं कह सकते कि बच्चा जो भी अपने बारे में ऑब्जर्व करेगा वो सत्य ही हो। क्या पता कोई ऐसी चीज़ बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है, लाइक कि मैथ्स का कोई कॉन्सेप्ट है और उसमें बच्चे ने कोई मैथ्स इक्वेशन या मैथ्स सॉल्व किया और बच्चे ने ऊपर से लेके फार्मूला ठीक पुट किया, लेकिन उसने कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ कर दी, लास्ट में जाके उसका आंसर करेक्ट नहीं आया, तो बच्चा उसमें क्या है, हमारे हिसाब से एज ए टीचर आप उसको पूरा ही रॉन्ग कहेंगे, क्योंकि फार्मूला पुट किया ठीक है, लेकिन इक्वेशन अगर उसने जो मैथ्स का सम है वो ठीक सॉल्व नहीं किया तो आंसर आपको अप्रोप्रिएट नहीं मिलेगा, तो आप उसको गलत ही कहेंगे, उसको जीरो मार्क्स ही देंगे। लेकिन बच्चा अपने हिसाब से जब उसको ऑब्जर्व करेगा तो बच्चा उसमें एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव रखेगा कि मेरा मैथड ठीक था लेकिन मेरी इक्वेशन में वो सम सॉल्व करने में कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। तो उस हिसाब से भी, मनोदशा के हिसाब से भी, वहाँ पे बच्चा एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव पॉइंट लेकर अपने लिए चलेगा, वो अपने आप को पूर्ण रूप से गलत नहीं बताएगा। सेकंड आता है इसमें दोषपूर्ण निरीक्षण। दोषपूर्ण क्यों है, वही सेम चीज़ है कि बच्चा कभी भी अपने बारे में अगर कोई चीज़ नेगेटिव भी है या गलत भी है उसके अकॉर्डिंग, अगर बच्चा कोई चीज़ पढ़ रहा है या अपने समाज से जुड़ा हुआ है या उसको ऐसी किसी चीज़ की मान लीजिए समायोजन करने में समाज के अंदर सोशल में उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर ऐसी चीज़ें क्रिएट हो रही है कि वो किसी गलत चीज़ को गेन कर रहा है, गलत आदतों को, हैबिट्स को गेन कर रहा है, तो बच्चा वहाँ पर अपना ठीक तरह से वहाँ पर निरीक्षण नहीं करेगा। अगर किसी बच्चे को स्मोकिंग करने की आदत है, वो सिगरेट वगैरह पीता है, स्मोक करता है, तो अगर उसके पेरेंट्स पूछेंगे कि आप स्मोक करते हो, उसको दिल से पता है कि हाँ मैं करता हूँ, लेकिन वो पेरेंट्स के सामने क्या है, वहाँ पे आपको गलत आंसर ही करेगा कि नहीं मैं स्मोक नहीं करता। तो इसीलिए वहाँ पे दोषपूर्ण निरीक्षण हमें प्राप्त होते हैं, तो उसके पेरेंट्स भी क्या है, उस पर ट्रस्ट करके वो चीज़ सत्य मान लेते हैं कि हमारा बच्चा स्मोक नहीं करता है। ओके, थर्ड पॉइंट इसमें आ जाता है आंकड़ों का आत्मनिष्ठता।
आत्मनिष्ठा से क्या मतलब है? आत्मनिष्ठा से मतलब है कि कोई भी बच्चा अपने बारे में या फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स कभी भी कोई आपको नेगेटिव पॉइंट नहीं बताएंगे, ऑलवेज पॉजिटिव या अच्छा ही बताएंगे। तो इसीलिए आंकड़ों के अंदर आत्मनिष्ठा आ जाती है। मान लीजिए अगर किसी बच्चे का ऑब्जर्वेशन या फिर आत्मनिरीक्षण विधि के द्वारा किसी टीचर्स के द्वारा किया जा रहा है, कोई किसी एक टीचर ने बोला कि आप यही सेम टॉपिक का आत्मनिरीक्षण करके मुझे रिजल्ट बताइए, और सेकंड टीचर ने भी सेम उसी टॉपिक पर बच्चे का आत्मनिरीक्षण करने के लिए बोल दिया, तो क्या है आंकड़ों में आत्मनिष्ठा किस रूप में आ जाएगी कि दोनों टीचर्स का जो प्रोजेक्टिव होगा या फिर उनका पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो शायद डिफरेंट हो सकता है। उनको क्या पता बच्चों के लिए बच्चों के अनुसार आंसर सेम मिले, लेकिन बच्चे जहाँ पे टीचर क्या है अपनी जो उनकी खुद की मेंटालिटी है वो वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। किसी स्टूडेंट को अगर कोई टीचर ज़्यादा लाइक करता है तो वो वहाँ पे क्या होगा उसके लिए पॉजिटिव ही देखेगा, उसको 100 out of 100 ही देगा। लेकिन अगर किसी टीचर को कोई स्टूडेंट पसंद ही नहीं है तो वो अगर अच्छा भी करता है तो वहाँ पे तो उस सिचुएशन में वो उसको नापसंद करते हुए 100 में से 50 ही देगा। तो इसीलिए इस सिचुएशन में क्या होता है कि आंकड़ों का आत्मनिष्ठता होती है कि हम उस पर पूर्ण रूप से सत्य उसको नहीं मान सकते। उसके बाद आता है एक रूप से प्रयोगात्मक नहीं है। एक रूप से प्रयोगात्मक नहीं, आप सभी सिचुएशन में आत्मनिरीक्षण विधि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। बहुत सी कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते, लाइक सभी मेथड्स क्या है सभी सिचुएशंस में यूज़फुल नहीं होते हैं। आप प्लेवे मेथड्स को बड़े बच्चों के लिए नहीं रख सकते, एक्टिविटी मेथड्स को बड़े बच्चों के लिए नहीं रख सकते। तो इसीलिए आत्मनिरीक्षण विधि भी कुछ ही ऑब्जेक्ट्स में या फिर कुछ ही सिचुएशंस में बच्चा उसके द्वारा अपना आत्मनिरीक्षण कर सकता है, सभी सिचुएशंस में इसको नहीं प्रयोग कर सकता है। लास्ट है इसका पॉइंट, अधिक विश्वसनीयता होना। अधिक विश्वसनीयता होना, इसमें क्या है कि बच्चा कभी भी अपना ऑब्जर्वेशन कर रहा है, आत्मनिरीक्षण कर रहा है, तो इसके अंदर क्या है बच्चा उसकी फैमिली उसके फ्रेंड उसी का ही सपोर्ट करेंगे। अब इसमें क्या है, अगर विश्वसनीयता होती है कि रिलायबल होना, अगर आप आज उसका मतलब किसी भी टॉपिक को लेके आप आत्मनिरीक्षण करवा रहे हैं तो 10 महीने बाद भी जब उसी टॉपिक पर आप उसके इस मेथड के थ्रू ऑब्जर्वेशन करवाएंगे तो आपको सेम रिजल्ट मिलना चाहिए। आज मैंने एक टॉपिक पे उसका आत्मनिरीक्षण करवाया तो मेरे को 10 में से मान लीजिए 9 मिले। अगर 10 महीने बाद सेम टॉपिक पे मैं उसका ऑब्जर्वेशन करवा रही हूँ दोबारा से आत्मनिरीक्षण के द्वारा, तब मेरे को 10 में से 5 मिले। तो यहाँ पर क्या है, आंकड़ों में डिफरेंस आ गया, पहले 9 थे फिर घटकर 5 हो गए, या पहले 10 होंगे फिर घट के 11-12 ऐसे हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये विश्वसनीयता नहीं हुई, हमको दोनों रिजल्ट्स क्या है डिफरेंट मिले। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा अगर अपने आप को ईमानदार बोलता है कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैंने बच्चे से पूछा कि आप ईमानदार हो या नहीं, तो बच्चे ने बोला कि यस मैम मैं ईमानदार हूँ, तो आप आज आपने कोई ऐसी चीज़ दिखाई कि मान लीजिए क्लास के अंदर 10 का नोट पड़ा हुआ है, बच्चे ने क्या किया वहाँ पे अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए वो 10 का नोट उठाकर अपनी मैम को दे दिया कि मैम ये गिरा हुआ मिला मुझे, जिसका भी है आप उसको दे दीजिए, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था, उससे अपनी विश्वसनीयता क्रिएट करके दिखा दी मैम को। लेकिन अगर 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद वो 10 के नोट की जगह 500 का नोट हो और बच्चा उसको देख के उसके मन में लालच आ जाए कि वो तो 10 का था चल मैम को दे दिया इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये तो 500 का, इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें खरीद सकता हूँ या फिर मेरे लिए बहुत सारे टॉयज आ जाएंगे, कुछ और चीज़ें आ जाएंगी, तो इस लालच में उसने वो रख लिया अपने पास, मैम को इन्फॉर्म नहीं किया। तो वहाँ पे क्या है कि हम उस गुण में कि बच्चा ईमानदार है या नहीं तो विश्वसनीयता नहीं रहती है,
कि बच्चा एक सिचुएशन में ईमानदार है, दूसरी में नहीं है, कंडीशन में दोनों में सेम है, वहाँ पे बच्चे को ईमानदारी ही दिखानी है अपनी। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, केवल रुपीस का जो डिफरेंस आ गया उसके हिसाब से बच्चे का वो जो गुण था वो परिवर्तन हो गया। तो इसीलिए वहाँ पे हम बच्चे को ईमानदार नहीं कहेंगे। जो पहली वाली सिचुएशन में बच्चे ने अपना आर्टिफिशियल बिहेवियर क्रिएट किया था सिर्फ दिखाने के लिए, तो इसीलिए अधिक विश्वसनीयता नहीं होती है इस मैथड की। बच्चा अपने अकॉर्डिंग कोई भी सिचुएशन को क्रिएट कर सकता है और उसको एडिट करके हटा भी सकता है। तो आंतर निरीक्षण विधि हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो भी मेथड के ही ऊपर होगा। हम सेकंड मेथड स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।